फोन रखिए, फोन रखिए, डिस्टेंस रहिए। क्या मामला है बता दीजिए, बता दीजिए क्या मामला है। ये जो शिक्षकों की समस्याएं थी, उन समस्याओं को लेकर हम लोग आज अभी बीएसए से मिले थे, जिसमें कई सारे हम लोग ज्ञापन दे चुके हैं, बीएसए को भी दिया है, एडीवेसी को भी दिया है, और हमने डीएम साहब को भी 20 तारीख को ज्ञापन दिया था कि महाराज संपदा पर जो सूचनाएं अपलोड की जा रही है, सत्यापन किया जा रहा है टीचर्स का, उसमें वहाँ पर स्टाफ ही नहीं है, सर्वर प्रॉब्लम है, नेट प्रॉब्लम है, कंप्यूटर नहीं है, तमाम सारी दिक्कतें, और गाइडलाइन जारी हुई है शासन से आदेश है कि 30 जून के बाद जब टीचर्स का 30 जून तक डाटा अपलोड नहीं होगा, सत्यापन नहीं होगा, उनका वेतन रोक दिया जाएगा, जबकि टीचर उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। तो हमारी मांग यही थी कि वहाँ पर स्टाफ बढ़ाया जाए। जी, मैं विनोद कुमार शर्मा, मंडल अध्यक्ष हूँ जूनियर हाई स्कूल शिक्षा संघ का। क्या करना चाहते हैं? असल में आज हमने जो पिछले हम एक महीने से काम कर रहे हैं, उस पर आज हम जैसे हिसाब से बात करने आए थे कि हम खाली ज्ञापन दे जाते हैं, हम अपना पत्र ले जाते हैं, आप हमें आश्वस्त कर देते हैं, रख लेते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती है। इस पर हमने आज बिंदुवार उनसे बात की। पहला बिंदु था कि मानव संपदा पोर्टल पर जो सूचनाएं सत्यापित करने की जो जिम्मेदारी टीचर्स को दी गई है, और उसकी डेडलाइन तय की गई है 30 जून, कि अगर 30 जून तक अगर सूचनाएं अपलोड नहीं हुई तो शिक्षकों का वेतन रोका जाएगा, जब जिसके लिए शिक्षक जिम्मेदार ही नहीं है। जब हमारे सारे पेपर डॉक्यूमेंट, सारी फाइलें हमारी जब बीएसए ऑफिस में हैं, हमारी बीआरसी पर हैं, सारा रिकॉर्ड आपके पास है, तो आप उसे ऑफिस स्तर पर आपकी जिम्मेदारी है, आपके स्टाफ की, ऑफिस स्टाफ की जिम्मेदारी है, खंड शिक्षा अधिकारी की जिम्मेदारी है कि वो सूचनाओं को सत्यापित कराए। लेकिन उसके बाद भी सूचनाएं टीचर करा रहे हैं तो वहाँ पर नेट प्रॉब्लम है, ब्रॉडबैंड नहीं है, सर्वर डाउन है, तमाम दिक्कतें हैं, टीचर 8-9 बजे तक बीआरसी पर बैठा रहता है, जिसकी वजह से और शाम तक मालूम पड़ा सर्वर डाउन है, नहीं आया, नेट नहीं आ रहा है, तो वो टीचर निराश होकर वापस लौट जाता है। एक तो वैश्विक महामारी का दौर है, और दूसरा इतना परेशानी के बाद भी टीचर की सूचनाएँ अपलोड नहीं हो पा रही हैं। अगर हम सारे ब्लॉकों की वन ऑवर बात करें तो अभी 50% टीचर्स का मानव संपदा पर डाटा सत्यापित हो पाया है, और आज 22 तारीख हो गई है, 30 तारीख डेडलाइन है। अगर ये 8 दिन में अगर सारे पूरे जनपद का 100% डाटा अपलोड नहीं हुआ तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? तो हमारा कहना है का आशय ये है कि किसी भी शिक्षक का वेतन ना रोका जाए, अगर कार्यवाही हो तो खंड शिक्षा अधिकारी और बीएसए पर हो, क्योंकि सूचनाएँ अपलोड कराने की जिम्मेदारी इनकी है, न कि टीचर की। दूसरा था कि बीआरसी कार्यालय पर शासन के से शासनादेश जारी हुआ था दिसंबर में, कि जो हमारे फोर्थ क्लास जो मृतकाशित में लगे हुए हैं और जिनकी शैक्षिक योग्यता स्नातक है और जिनके पास कंप्यूटर का ज्ञान है, जिनको उनको ऑफिस के लिए उनको उनका चयन किया जाए, ऐसे 11 में 3 फोर्थ क्लास को चयन किया गया, जिसमें से 2 को वहाँ लगाने की बजाय उनका चयन 11 के लिए हुआ और उनको यहाँ एसएसए में लगा लिया गया है। वहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं है, एक वहाँ पर सहायक लेखाकार है, वहाँ पर 11 में कोई ना तो कंप्यूटर ऑपरेटर है, ना वहाँ पर कोई मैन पावर है जिससे काम हो सके, सारी काम पिछड़ रहा है। तो इस पर जो हमारे यहाँ 11 के लिए जो स्टाफ का चयन हुआ है, हमारा कहने जो हमने मिलकर कहा है कि हमारे स्टाफ को यहाँ से तत्काल कार्यमुक्त किया जाए और उन्हें जिस जहाँ के लिए उनको अपॉइंट किया गया है उनको वहाँ भेजा जाए, ताकि टीचर्स का काम सफर ना करे। तीसरा था कि निःशुल्क यूनिफॉर्म पर स्वयं सहायता समूह का को जो अलॉटेड किया गया है उसमें टीचर्स को कंपेल ना किया जाए। हम वहाँ पर खुला जो तरीका है, स्वतंत्र व्यवस्था रखनी जानी चाहिए, खुली व्यवस्था में स्वयं सहायता समूह अपना टेंडर दें, जो प्रबंधन समिति जिसका टेंडर पास करेगी वह स्वयं सहायता समूह ऑर्डर लेगा, वो अपना काम करेगा। तो एक ये वाला मुद्दा था। चौथा प्रकरण था जो हमारे फोर्थ क्लास है, हमारे जो हमारे सहायक हैं हमारे विद्यालय में, उनका जो ACP का प्रकरण है वो कई महीनों से लंबित है, अभी तक उनका ACP का जो निर्धारण है वो अभी तक नहीं किया गया है, जिसकी वजह से कई महीनों से उनको आर्थिक जो उनका जो लाभ उन्हें मिलना चाहिए उससे वे लगातार वंचित हो रहे हैं, जबरदस्ती जानबूझकर उसको लंबित किया गया है। ACP प्रकरण फोर्थ क्लास का बहुत माइनर प्रकरण होता है, उसके लिए कमेटी बना के उसको पास करना होता है, जिसके लिए महीनों लगा दिए गए हैं, अभी तक वो पेंडिंग है। ठीक है सर।